एंटीएयूजीसी ने यानी निमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हम थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी में हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिटेल में जानेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस आए हैं उसका हम लाइव मॉक टेस्ट लेंगे और आप देखना आपने इस दौरान क्या सीखा है और कितना कुछ आपको आया है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, पहले थ्योरी देखना और उसके बाद में लाइव मॉक टेस्ट जरूर देना। नमस्कार दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 3। आज की क्लास में हम जानने वाले हैं शिक्षण और अधिगम क्या है, इसका अर्थ क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रक्रिया और इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। दोस्तों आप यकीन करना, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इसमें से आज तक बहुत क्वेश्चन आए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड में, इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। और इसके साथ साथ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंट एंड अडल्ट लर्नर के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों एनटीयूजीसी नेट एग्जाम 2023 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2022-23 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। इस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसकी कोर्स की प्राइस हम बात करें तो 7,000-8,000 रुपए इसकी फीस बनती है, लेकिन आपसे इतना पैसा नहीं लिया जा रहा दोस्तों। आप 500 से लेकर 1,000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है। तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षण और अधिगम क्या होता है और इसके अंदर नंबर एक पे आती है अधिगम आता है। दोस्तों देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है ये हमें समझना जरूरी है। यह एक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए आपको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिगम का मतलब क्या है दोस्तों? अधिगम का मतलब है सीखना, और सीखना पूरी जिंदगी चला रहता है। जब हम छोटे से बच्चे होते तब से लेके जब हम मरते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तब तक हम सीखते रहते हैं। ये पूरी जिंदगी चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा चलती रहती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि मनुष्य के जन्म के उपरांत से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से ही सीखना शुरू कर देता है, चाहे उसे कोई भी कुछ ना सिखा रहा हो। हमने देखा ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नकल बहुत करते हैं, वो दूसरों को देख के सीखते हैं। और एक चीज हमने देखी होगी, जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटी बच्चियां होती है, वो गली के अंदर जाके घूंघट करेगी, तो वैसे तो काफी शर्मनाक चीज है ये, वो शर्म आती है हमें भी, लेकिन हमने देखा होगा कि छोटी छोटी बच्चियां जो होती है वो बड़ी अपनी चाची ताई वगैरह को देखती हैं, वो झाड़ू लगाती है गली के अंदर घूंघट करके, तो वो भी वैसे ही करती है। तो दोस्तों यही है अधिगम का मतलब, यही है कि सीखना, वो चाहे कैसे भी सीखना, और सीखना हमेशा चलता रहता है। समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक सीखना भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ही उसके जीवन का विकास होगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सीख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की कोई इच्छा ही नहीं है तो वो दोस्तों ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता अपने जीवन में, ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता। और इसके अलावा और भी काफ़ी उदाहरण हैं दोस्तों इसके अंदर, मैं बताऊँ जैसे कि जैसे छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वह दीपक की लौ को पकड़ेगा, और उसको क्या होगा दोस्तों, जब वो उसे पकड़ेगा तो उसका हाथ जल जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा कि दीपक की लौ को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो आगे वो फिर उसको हाथ नहीं लगाएगा। तो इस तरह से धीरे धीरे हम सीखते रहते हैं, और सीखने के लिए दोस्तों
अधिगम करने के लिए हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है और किसी पाठ्य पुस्तक की जरूरत नहीं है। हम अधिगम, हम सीखना कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये है लर्निंग अधिगम, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अधिगम की कुछ विशेषताएं दोस्तों, उनके बारे में हम बात करते हैं, ये भी एग्जाम के अंदर आती है। अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये दोस्तों हमने बात कर ली। अधिगम जो है वो हमेशा चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है। अधिगम क्या है दोस्तों, हम अपने हिसाब से करते हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो हम उससे मुँह मोड़ लेते हैं। कोई चीज़ अगर मान के चलिए टीवी पर कुछ चल रहा है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम उससे चैनल बदल देते हैं। तो अधिगम क्या है दोस्तों, अनुकूल प्रक्रिया है। हम अपनी इच्छा के अनुसार सीखते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार उसको अवॉइड कर देते हैं। अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये दोस्तों हमारे चारों ओर पूरी तरह से फैली हुई है, हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम जब होगा दोस्तों, जब हम कुछ भी चीज़ सीखेंगे तो क्या होगा, हमारे व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। अधिगम में दोस्तों हम जो चीज़ हमने पहले सीखी है उसको अब रिलेट करके देखते हैं, तो वो क्या है कि हमारा जो पुराना अनुभव है और जो हमने नया अनुभव लिया है उससे भी हमारा अधिगम बहुत अच्छा होता है। अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक है। देखिए, जो अधिगम है वो शिक्षण के उद्देश्य जो है दोस्तों उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अब देखिए, शिक्षण मीन्स मान के चलिए हमें एग्जाम के अंदर 70% नंबर लेके आने हैं, 80% नंबर लेके आने हैं। अगर हमारी अधिगम में रुचि है तो हम बिल्कुल आसानी से नंबर लेके आ सकते हैं 70-80%। लेकिन अगर हमारी अधिगम में रुचि नहीं है, सीखने में रुचि नहीं है, तो वो फिर हम अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे। और देखते दोस्तों और इसके अंदर क्या है। अब देखिए, हम बात करते हैं शिक्षण एवं अधिगम का संबंध क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा शिक्षण क्या है। शिक्षण समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, शिक्षण का हमने पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था, शिक्षण एक सुव्यवस्थित तरीके से एक प्लानिंग के तहत शिक्षण किया जाता है। हमें कुछ सिखाया जाता है एक निश्चित जगह पे, एक निश्चित टाइम पे, एक निश्चित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से अगर कुछ लर्निंग की जाए उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारे शिक्षण होता है। और शिक्षण दोस्तों हमारा सामाजिक और व्यवसायिक दोनों तरह का हो सकता है। शिक्षण जैसे हम स्कूल के अंदर जाते हैं, कॉलेज के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हमें टीचर पढ़ाते हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक क्लास होती है, टाइमिंग होता है, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, बुक्स होती है, सारी चीज़ें होती है, सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, वो हमारा होगा शिक्षण। और अधिगम क्या होगा, अधिगम मैंने बताया, अधिगम के लिए कोई बुक्स जरूरी नहीं है, अधिगम के लिए कोई टाइम जरूरी नहीं है, अधिगम हम कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मेन बेसिक चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण एवं अधिगम का संबंध क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है। और दोस्तों मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें से बहुत क्वेश्चन आज तक रिपीट हुए हैं और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए, शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। देखिए, अगर हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, अपने हिसाब से सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे कोई टीचर आ जाए, कोई उस्ताद आ जाए, कोई ऐसा बंदा आ जाए जिस वो परफेक्ट है उस काम के अंदर, वो अगर हमें सिखाए तो क्या है कि हम उस चीज़ को बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो दोस्तों यही है अधिगम और जो शिक्षण है, उन दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संबंध है। आगे हम बात करते हैं अधिगम शिक्षण व अधिगम के मध्य घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, ये हमने बात कर ली। अधिगम शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे के अनुवर्धक भी है और अनुपूरक भी है, एक दूसरे के पूरक है दोस्तों, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बता दी है दोस्तों कि अगर हमारे पास शिक्षण हो तो हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज़ को सीख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों शिक्षण व अधिगम में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, शिक्षण में जटिल परंतु अंतर संबंधी क्रियाएँ सम्मिलित होती है, जैसे प्रशंसा करना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन करना। देखिए, शिक्षण के अंदर क्या होता है दोस्तों, वो थोड़ी जटिल प्रक्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन उसके अंदर और भी इंटरनल काफी सारी चीजें होती है। जटिल प्रक्रिया कैसे हो सकती है उसका मैं बताता हूं आपको। जैसे मान के चलिए क्लास के अंदर है, हमारा मन नहीं कर रहा, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हमें जबरदस्ती पढ़ना पड़ेगा वहां पे,
ठीक है, तो ये थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं हम, और शिक्षण के अंदर हमें लंबे समय तक पढ़ना पड़ सकता है, और ऐसा टीचर आ सकता है जो हमें पसंद ही ना हो, उससे भी हमें पढ़ना पड़ सकता है। तो शिक्षण क्या है दोस्तों? शिक्षण थोड़ी सी एक जटिल प्रक्रिया मान सकते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, अंत क्रियाएं शामिल होती है। जैसे कि मान के चलिए क्लास है, क्लास के अंदर टीचर हमें थप्पड़ भी मार सकता है। चलिए खैर आजकल तो नहीं मारते, लेकिन पहले आपने काफ़ी थप्पड़ खाए होंगे, हमने भी खाए हैं, सरकारी स्कूल में खाए हैं, और हर स्कूल में पढ़ते थे पहले, और मज़ा आता था। तो पहले चलिए वो चीज़ अलग है, कहने का मतलब ये है कि शिक्षण के अंदर ये सारी चीज़ें इंटरनल चीज़ें सम्मिलित होती है। इसके अंदर थप्पड़ पड़ना और इनाम मिलना, प्रश्न पूछना, भाषण देना, डांट फटकार पड़ना, निर्देशन देना, काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है शिक्षण के अंदर। और आगे हम बात करते हैं, जबकि अधिगम व्यक्तिगत क्रिया है, यह विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होती है। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम हमारी हमारी पर्सनल चीज़ है, ये व्यक्तिगत क्रिया है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जितने भी पॉइंट है ना, ये अच्छे से ध्यान रख लेना, ध्यान में रखना अच्छे से, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं और या फिर आप करेंगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे आए हैं। तो दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो हम ज़रूर ज़रूर करेंगे। हमारे लाइव क्लास जो वीडियो है वो आप ज़रूर देखना, लाइव मॉक टेस्ट ज़रूर देना, उसके अंदर आप आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण एक कार्य है, ये हमारा क्या है दोस्तों? एक वर्क है। शिक्षण क्या है? कार्य है। हमें पता है भाई सुबह 9 बजे जाना पड़ेगा, 2 बजे आना पड़ेगा, ये एज ए वर्क है हमारा। इसी तरीके से टीचर के लिए भी एक कार्य हो गया। जबकि अधिगम अधिगम उसका परिणाम है। अधिगम क्या है दोस्तों? अधिगम परिणाम है, क्या टीचर ने सिखाया है वो अगर हमने सीखा है तो वो क्या हो गया? अधिगम हो गया। अगर हमने कुछ नहीं सीखा, हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो क्या हुआ? अधिगम नहीं हुआ। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है, जबकि जिसमें किसी प्रकार की क्रिया निहित होती है। ये चीज़ हमने कह ली दोस्तों, ये एज ए वर्क के समान होता है। अधिगम को सफलता की उपलब्धि कहा जाता है। अधिगम क्या है दोस्तों? इसको हम सफलता की उपलब्धि कह सकते हैं। अगर हमने कुछ कुछ चीज़ सीख ली तो वो क्या है? वो हमारे लिए सफलता ही तो है। अगर हम कुछ नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सीख लेंगे तो वो हमारे बहुत ज़्यादा आगे काम आएगी। शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। देखिए शिक्षण क्या है? एक सोशल वर्क है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये भी पॉइंट आया हुआ है। शिक्षण क्या? एक सोशल वर्क कह सकते हैं, जो दूसरों के हित के लिए, हमारे समाज को बेटर बनाने के लिए किया जाता है। जबकि जो अधिगम है दोस्तों, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया है, ये हमने ऊपर भी बात की। अधिगम एक पर्सनल चीज़ है, अधिगम हम कहीं भी कर सकते हैं। अगर हमारा मन नहीं कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, अगर हमारा मन कर रहा है तो हम करेंगे। अब जैसे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होगी, आजकल यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर सारी चीज़ें हैं। तो जिस स्टूडेंट को कुछ सीखना है, जिस भी व्यक्ति को कुछ सीखना है, वो आज लैपटॉप के ऊपर खोल के, मोबाइल पे यूट्यूब पे वीडियो देख के पता नहीं आज क्या क्या सीख रहा है। तो वो क्या है? वो उसकी पर्सनल चीज़ है, उसको कोई सिखा नहीं रहा, वो अपनी इच्छा से देख रहा है, अपनी इच्छा से आर्टिकल पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है, तब जाके वो अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी एक व्यक्तिगत क्रिया है। आगे हम बात करते हैं, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, लेकिन ये आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। देखिए शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे चीज़ समझनी जरूरी है दोस्तों, ये पॉइंट आया हुआ है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं आप। देखिए शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है। अगर हमें शिक्षण करना है, ठीक है, तो उसमें बच्चे की रुचि हो सकती है, बच्चा सीखने के लिए तैयार हो सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हो ना इस बात को? जैसे मान के चलिए क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चे क्या है कि बच्चे शोर कर रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं अच्छे से अच्छे टीचर से भी। ठीक है, तो वो वहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जब शिक्षण कर रहे हैं तो वहाँ पे अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता अधिगम। ठीक है, ये कह रहा कि अधिगम उसमें समाहित हो सकता है, लेकिन 100% ज़रूरी नहीं है। ये बात आ रही है ना आपको समझ में? आ रही होगी। अब देखिए जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीख रहे हो सकता है आप कोई और काम कर रहे हो। ठीक
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आई है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना या फिर कमेंट बॉक्स के जरिए बताना। अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन यह भी आवश्यक रूप से जरूरी नहीं है। ये देखिए, ये भी दोनों, ये दोनों चीजें सही है दोस्तों। अधिगम, सीखने के लिए कोई सिखाने वाला हो सकता है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, समझ गए। अधिगम, अधिगम बार बार बात कर रहे हैं। अधिगम सीखने के लिए किसी, कोई टीचर हो सकता है, अगर टीचर नहीं भी है ना तो भी हम सीख सकते हैं। मैंने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया था, मैंने बुक्स का एग्जाम्पल दिया। बुक्स है, बुक्स में कोई हमें सिखा तो नहीं रहा ना, हम अपने हिसाब से सीख रहे हैं ना। तो वही चीज़ आ गई इसके अंदर। अधिगम के लिए भी शिक्षण का होना जरूरी नहीं है, और शिक्षण के लिए भी अधिगम का होना जरूरी नहीं है। ये हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक। और अब हम बात करते हैं दोस्तों करेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड अडल्ट लर्नर की बात करते हैं। देखिए, यह शिक्षण प्रक्रिया का एक आश्रित चर होता है। लर्नर जो होता है दोस्तों, वो आश्रित चर होता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो होता है हमारे जो टीचर होते हैं उनके ऊपर, और हमारी बुक्स के ऊपर डिपेंड होता है। लर्नर की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है दोस्तों? अधिगमकर्ता की क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम देख लेते हैं। अध्ययनशील होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, आशावादी होनी चाहिए। आशावादी होना चाहिए ना। अब देखिए, कई बार जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं और पहले ही दिन ये सुनने को मिलता है, ये टीचर तो बढ़िया नहीं है, ये तो घटिया, ये तो ऐसे, ये वैसे। अरे नहीं, पहली बार में हो सकता है, टीचर भी तो इंसान है ना, वो भी तो हेजिटेट हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हमें पेशेंस रखना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। और ऐसे ही रिजल्ट के अंदर होता है, अगर कोई कोई स्टूडेंट एक दो बार यूजीसी नेट का एग्जाम देगा तो हो सकता है वो डीमोटिवेट हो जाए, आगे एग्जाम ही ना दे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना, हमें आशावादी रहना है, मोटिवेट रहना है, हमें उम्मीद रखनी है भाई हम होंगे कामयाब एक दिन। और आपका जरूर होगा दोस्तों, आपका यूजीसी नेट जरूर होगा, आशा रखनी है हमें। ठीक है, अगर आप उम्मीद नहीं रखेंगे तो आप अच्छे टीचर, वो अच्छे स्टूडेंट नहीं है। और आगे हम बात करते हैं उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्य होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सकारात्मक, धैर्यवान, अनुशासित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं, आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है? जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? काल्पनिक, वो कल्पना करने लगता है भाई ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, इसकी मैं ये ट्रिक बना सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। तीव्र शारीरिक व मानसिक विकास, उसका जो मानसिक और शारीरिक विकास है वो हो जाता है। स्व प्रेम की भावना, वो अपने आप से प्रेम करने लगता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, उसमें ये कॉन्फिडेंस होने लगता है कि अब मुझे खुद करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। ठीक है, विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना, वो विद्रोह भी करने लगता है जब बड़ा होता है, तो अपने घर वालों से सवाल जवाब करता है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है। मित्रता की भावना, नास्तिक व आस्तिक हो सकता है वो। देशभक्ति की भावना उसमें आ सकती है, काम प्रवृत्ति की भावना, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या क्या हो सकते हैं जो स्टूडेंट है उनके अंदर। देखिए, इसके अंदर मुख्य रूप से कि किसी भी व्यक्ति के अंदर दूसरे व्यक्ति से कुछ अलग अलग चीज़ें हो सकती है, जैसे वो शारीरिक रूप से अलग हो सकता है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से अलग हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम यहाँ पे बात करें, टीचिंग के अंदर बात करें, तो दो होती है, आंतरिक भिन्नता और बाहरी भिन्नता। देखिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक, उसका वातावरण हो सकता है, वातावरण हो सकता है उसका जो परिवार में ज़्यादा शोर शराबा होता हो, चिड़चिड़ापन हो उसके परिवार में, ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हो, या फिर और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे काफ़ी शोर होता हो, तो काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो सकती है। लिंग भेद हो सकता है, अगर लड़की है उसमें अलग डिफरेंस हो सकता है, लड़के में अलग डिफरेंस हो सकता है। वंशानुक्रम हो सकता है, मान लो पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते, वो जो कम पढ़ाते हुए आ रहे हो उनकी थिंकिंग ही अलग हो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। शिक्षा भी हो सकती है, क्या पता कि परिवार के अंदर कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो उसको वैल्यू होगी टीचिंग की, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो हो सकता है उनको वैल्यू ना पता हो ज़्यादा।
तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं काफी दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। मानसिक विकास भी अलग अलग हो सकता है, शारीरिक विकास और फीलिंग भी अलग अलग हो सकती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं में शिक्षक का योगदान क्या हो सकता है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है। देखिए अगर कोई स्टूडेंट अलग है, उसका मंद बुद्धि है, उसका दिमाग काम कम कर रहा है, मान के चलिए क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कम समझ में आता है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो उसको अच्छे से समझाए, अच्छे से ट्रीट करे। कई बार क्या होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसा, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। मान के चलिए किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि वो गुस्सा ना हो और आराम से बताए। तो हमारे पास भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। काफ़ी बार हम इरिटेट हो जाते हैं, तो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पास 100+ मैसेज आते हैं दोस्तों स्टूडेंट के, और उन सभी के जवाब दे दे के थोड़ा सा इरिटेशन आ जाता है। लेकिन फिर भी मुझे आप सभी से बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। आप आइए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और तंग कीजिए हमें, तंग कीजिए हमें, ठीक है, और हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो टीचर का फर्ज यही बनता है कि वो अगर इरिटेट भी है ना, तो उससे गुस्सा मत करे, यानी कि उससे एक बैंस कहते हैं ना जिसे, नफरत जिसे कहते हैं, नफरत मत पाले, ठीक है। तो ये चीजें हैं, उसका फर्ज बनता है कि वो अच्छे से समझाए उसको, अच्छे से उसको गाइड करे, अच्छे से अगर उसे लगता है ये बच्चा गरीब है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसको हेल्प भी करनी चाहिए आर्थिक रूप से भी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार बदलाव क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अलग अलग बच्चों के अनुसार पाठ्यक्रम भी अलग अलग हो सकता है। क्लास का आकार सीमित रखना चाहिए। अगर हमें ये लग रहा है भाई काफी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो हमें क्लास का जो साइज है वो कम रखना चाहिए। सरल शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फैक्टर इफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल, यानी कि क्या क्या फैक्टर है जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शिक्षण प्रभावक तत्व, उसके अंदर क्या होता है, शिक्षक की विशेषताएं, शिक्षक में क्या क्या विशेषता है। अगर कोई इरिटेशन वाला टीचर है, बहुत गुस्सा करने वाला टीचर है, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ाएगा। विषय का ज्ञान कितना है टीचर को, वो मायने रखता है। स्पष्ट उद्देश्यवादी होना चाहिए, उसको स्पष्ट बातें करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के अगले को नॉलेज है ही नहीं, वो ऐसे घुमाता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सकारात्मक अभिवृत्ति होनी चाहिए, उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड वाला टीचर नहीं होना चाहिए। ऊर्जावान होना चाहिए, उसके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए, समय समय पे मोटिवेशन करने वाला होना चाहिए। विषय का मूलभूत व्यवहार, यानी कि मूलभूत जानकारी होनी जरूरी है विषय के बारे में। काफी तरह की चीजें दोस्तों आप यहाँ पे देख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए जैसे भावनात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए उसके अंदर, समय का पाबंद होना चाहिए, जिस समय पे उसने बोला उस समय पे उसको आना चाहिए, ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे आगे हमारे पास शिक्षण सहायक सामग्री स्पोर्ट मटेरियल के बारे में बात करते हैं। शिक्षण कार्य करते समय जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है शिक्षक, उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। और ये इन्होंने यहाँ पे 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। नंबर 1 पे है दृश्य सामग्री, इसके अंदर है प्रोजेक्ट, फिल्म, स्ट्रिप और श्याम पट, मानचित्र इत्यादि ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें से 1-2 क्वेश्चन आए थे पहले, आप पढ़ लेना इसको, और बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, सॉरी दृश्य सामग्री जिसको हम देख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसको हम सुन सकते हैं, ठीक है। दृश्य श्रव्य जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे टीवी हो गया, कंप्यूटर हो गया, वीडियो होगी, डिस्क होगी, टेलीकॉन्फ्रेंस होगी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस, इसके अंदर है दोस्तों जैसे विजुअल एड, वही आ गई दोस्तों जो दिखने वाली चीज़ें होती है, जैसे चार्ट हो गया, मैप हो गया, मॉडल हो गया, स्लाइड, फिल्म, स्ट्रिप, प्रोजेक्ट, काफ़ी तरह की चीज़ें। ऑडियो एड्स हो गया, इसके अंदर रेडियो, टेप, रिकॉर्डर, ये दोस्तों यहाँ पे शायद हिंदी इंग्लिश में दिया। ये देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, आप इनको पढ़ लेना, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। और आगे हम बात करते हैं तो जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड बाय द NCERT, इसके अंदर है प्रोजेक्ट एड हो गया, डिस्प्ले बोर्ड हो गया, ऑडियो वीडियो, ये वही सारी चीज़ें दोस्तों जो हमने ऊपर की है, वही सारी चीज़ें दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर।
तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं खुशखबरी दे देता हूं, अब आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के फ्री में स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट और ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। और ये सब आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको सिंपल गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है यूजीसी नेट और बाद में आपका सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, जैसे इसमें हिस्ट्री, स्टडी नोट्स और लास्ट में ntaugcnet.co.in। अब हम मान के चलते आपका सब्जेक्ट है होम साइंस, तो यूजीसीनेट होम साइंस, स्टडी नोट्स ntaugcnet.co.in। इसी तरीके से आपका फिलोसफी है तो फिलोसफी लिखना है, हिंदी है तो हिंदी लिखना है। और जैसे ही आप इन लिंक पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने हिस्ट्री का आपको एग्जाम्पल दिखाया है, यहाँ पे आपके सामने पीडीएफ आ गई, डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ आ गई। उसके बाद में ये वीडियोज आ गई आपके सामने और उसके बाद में आपके सामने ये लाइव मॉक टेस्ट आ गए। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे फ्री में मिलने वाला है। तो और यहाँ पे बेस्ट बुक भी हमने आपको रिकमेंड की है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आप फ्री में ऑल ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे ले सकते हैं। इसका तरीका भी सिंपल है दोस्तों, आपको लिखना है यूजीसी नेट आपका सब्जेक्ट, जैसे होम साइंस, यूजीसी नेट होम साइंस ओल्ड पेपर, और लास्ट में आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है ntaugcnet.co.in। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आपके सामने रिजल्ट नहीं आएगा। और आपको कुछ भी सर्च करना है तो आपको लास्ट में एक चीज जरूर लिखनी है ntaugcnet.co.in। उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे ये आ गया, ये लिंक आ गया। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, ये यहाँ पे पेपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये पेपर, ये हमारी आंसर की है देखिए, और ये नीचे पेपर दिए हुए हैं। यहाँ से आप फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि पेपर फर्स्ट के सभी यूनिट के स्टडी नोट्स आप कैसे ले सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको लिखना है यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 2023 से आपको लेटेस्ट स्टडी नोट्स मिलेंगे और लास्ट में आपको एक ही चीज लिखनी है ntaugcnet.co.in, ठीक है। और टीचिंग एप्टीट्यूड की जगह आप अपना जो टॉपिक है वो चेंज कर देना है। जैसे अगला सर्च रिजल्ट दिखाता हूँ आपको मैं, यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co.in। तो इस तरह से दोस्तों आप पेपर फर्स्ट के भी सभी यूनिट के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। और मैं आपको डेमो दिखा देता हूं, ये देखिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ओपन किया है तो यहां पे आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने यहां पे जो थ्योरी है, थ्योरी यहां पे दी है, हिंदी इंग्लिश में यहां पे हमने दी है ताकि आप अच्छे से समझ सके। ये देखिए, इंग्लिश में भी हमने चीजें लिखी हुई है ताकि आप आसानी से चीजों को समझ सके। और लास्ट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन अलग अलग किए हुए मिलेंगे। जैसे ये है सेक्शन और अधिगम के प्रश्न, और उसके बाद में ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप फ्री में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सभी के स्टडी नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम देखते हैं और आपका लाइव मॉक टेस्ट लेते हैं। देखते हैं आप सभी को कितना कुछ आता है। सभी को कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है और जो भी दोस्त इसका राइट आंसर देगा उसे हम मलेशिया के टूर पर ले चलेंगे। हाँ दोस्तों, मलेशिया के टूर पर चलेंगे हम जी। तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे गूगल में आना है। तरीका मैंने आपको है यूजीसी नेट टीचिंग एप्टीट्यूड 2023 ntaugcnet.co.in लिखना है और नीचे हमारे सामने पोस्ट आ जाएगी। जैसे ही आप इस 2023 हिंदी में इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट ओपन हो जाएगी और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 4, सेक्शन और अधिगम, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं उनका हम लाइव मॉक टेस्ट करते हैं और आप सभी को इनका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है जी। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। अधिगम मतलब सीखना, और सीखते कब हम, पूरी जिंदगी चलता रहता ना सीखना, या फिर बूढ़े होने के बाद सीखना बंद कर देते, बताइए राइट आंसर, बताइए क्या होगा, मुझे नहीं पता, आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। अगला जो तर्क दिया इन्होंने, अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, क्या ये बात सही है जी। हमें कौन सी चीज सीखनी चाहिए, अच्छी चीज सीखनी चाहिए ना, जो सही है हमारे लिए जी, बताओ क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन दे रखा है, आप इसका आंसर देना क्या होगा।
और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण और अधिगम की प्रकृति एवं उद्देश्यों को सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत करता है। नेचर और ऑब्जेक्टिव के बारे में कौन कौन बताता है वो हमें बताना है। जी यहाँ पे देख सकते हैं कि नेचर और ऑब्जेक्टिव के बारे में कौन कौन बताता है, टीचिंग और लर्निंग के बारे में क्या क्या चीज़ें हमारी सही है ये देखिए इसके अंदर। शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीद के जैसे है, क्या ये बात सही है? याद करो थ्योरी में क्या बताया था मैंने, शिक्षण सामाजिक करते हैं जबकि अधिगम व्यक्तिगत करते हैं। कुछ भी सीखना है वो क्या हम अपने आप सीख सकते हैं? बताओ, एक बच्चा अपने आप सीख सकता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। शिक्षण में अधिगम निहित है और अधिगम शिक्षण को समाहित नहीं करता, क्या ये बात सही है? बताओ, इन ये सभी ऑप्शन आपको पढ़ने हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। जी, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वीडियो आप रोक के अच्छे से क्वेश्चन को देखना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप हमारा, सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है, क्या ये बात सही है? अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए या नहीं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ भाई। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर को बताते हैं, डिफरेंस क्या क्या है हमारे शिक्षण और अधिगम में वो बताने हैं। शिक्षण एक सामाजिक करते हैं जबकि अधिगम निजी करते हैं। ये क्या हो भाई, ये तो कुछ कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है ना, ऊपर पढ़ा था ना। हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में, तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको ओल्ड ईयर क्वेश्चन के पेपर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आपको नेट और जीआरएफ क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि बहुत क्वेश्चन हमारे रिपीट होते हैं। जी, अधिगम शिक्षण में अधिगम समाविष्ट है, क्या होगा? अधिगम बेचने के समान है शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है, क्या इसका राइट आंसर होगा? ये पांचों के पांचों आपको ऑप्शन पढ़ने और राइट आंसर देना है, और राइट आंसर जानने के लिए आप हमारी ये जो पोस्ट है वो विजिट कर लेना। जी, आगे है हमारा दोस्तों, यही क्वेश्चन है हमारा। जी, और डिफरेंस, हाँ ये हमने इंग्लिश में भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका राइट आंसर दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूँ आप सभी के क्वेश्चन के आंसर का। दोस्तों, अभी हमने केवल 4 से 5 क्वेश्चन ही किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी हमारे बहुत से क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, 15 से 20 क्वेश्चन। अगर आपको वो सभी क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्स दोस्तों पेपर फर्स्ट का है और इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मिलेगी। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, 2012 से लेके अभी तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में दिए जाएंगे, 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज अलग अलग किए हुए मिलेंगे क्वेश्चन। जैसे कि आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च का है वो अलग है, टीचिंग के अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, और इसमें दोस्तों सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। सब टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, जैसे कि हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैम्पलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। और प्लस में दोस्तों आपका लाइव मॉक टेस्ट होगा हमारी ऐप में, और वीडियोस के जरिए भी आपका लाइव मॉक टेस्ट लिया जाएगा, और किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8708321010, और इसे ज्वाइन करने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट पे हमने जो पोस्ट बनाई है इसके नीचे आ जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें ज़रूर बताना, और एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों, और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों।